नाम राहुल है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं पीटी 365 फोर्थ, ये पार्ट सी है। इससे पहले पार्ट ए और पार्ट बी आ चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हो पूरा। तो जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 4.6.2 से, जिसका नाम है जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग जो है वो बिग ग्रेन्स लाए हैं आंध्र फार्मर्स के लिए। और न्यूज़ में क्या है कि यहाँ पे एक स्टडी हुई है जो कंपेयर करती है ZBNF और नॉन ZBF टेक्निक जो पैडी ग्राउंड नट पे होती है, और इसमें 6 पैरामीटर्स है: वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी कंजम्पशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ईल्ड और नेट रेवेन्यू। तो ये पाया गया कि ZBNF जो है प्रोवाइड करता है वाटर सेविंग पर एकर पर पैडी क्रॉपिंग पीरियड। सेकेंडली, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो फार्म्स की होती है वो रिलाई करती है ग्राउंड वाटर जो रिड्यूस हो चुका है। थर्ड है कि ये हिंडर करता है माइक्रो माइक्रोबायल एक्टिविटी और कट करता है CH4 मतलब मीथेन एमिशन बाय 88%। स्टडी ऑब्जर्व नहीं करता क्या इम्पैक्ट होता है क्रॉप यील्ड पे। ZBNF के बारे में जान लेते हैं। एक मेथड है केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, जो कि इंडिया की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से आता है। ओरिजिनली महाराष्ट्र के एग्रीकल्चरिस्ट सुभाष पालेकर ने ये बोला था, प्रमोट करा था इसको, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था यूनियन बजट 2019-2020 के दौरान। ZBNF जो है ये प्रमोट करता है सॉइल एरिएशन, मिनिमल वाटरिंग, इंटरक्रॉपिंग, बर्न्स टॉप सॉइल, मल्चिंग, और डिस्करेज करता है इंटेंसिव इरिगेशन, डीप प्लाउइंग। इसके अलावा पालेकल जो है अगेंस्ट रहता है वर्मी कंपोस्टिंग, और यहाँ पे मेन स्ट्रीम टिपिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जो इंट्रोड्यूस करती है मोस्ट कॉम्पोजिट वॉर्म। यूरोपियन रेड व्हीकल जो है इंडियन सॉइल्स का है, और क्लेम करता है वॉर्म जो अब्जॉर्ब करती है टॉक्सिक मेटल्स और पॉइजन करती है ग्राउंड वाटर और सॉइल। ZBNF 4 पिलर्स पे है जो हम देखने वाले हैं। पहला है बीज मूत्रम, जो बेसिकली होता है माइक्रोबियल सीट, उसमें कोटिंग जो होती है वो काउ यूरिन और काउ डंग की होती है और फॉर्मुलेशन पे होती है। सेकेंड है जीवरम रुतम, जो बेसिकली आपका एप्लीकेशन होती है इन्हीं चीज़ों का। थर्ड है मल्चिंग और या कवर क्रॉप्स, जो ग्राउंड्स को कवर करती है, ऑल्सो रेजिड्यू बनता है। लास्ट है वापासा, जो फास्ट बिल्डअप करता है सॉइल ह्यूमस का थ्रू ZBNF, जिसकी वजह से सॉइल एरिएशन होता है। ठीक है ना। बेनिफिट क्या है, ये बहुत ही कम इसको वाटर चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे केमिकल फार्मिंग में बहुत ज़्यादा ही चाहिए होती है चीज़ें। सेकेंड है फार्मिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती इसमें बाय यूजिंग इन साइटू रिसोर्सेज, मतलब अंदर की जो रिसोर्सेज है। मैनेज करता है सॉइल न्यूट्रिशन को, फर्टिलिटी, पेस्ट और सीड्स को भी। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपका एक्वापोनिक्स। ठीक है, तो रिसेंटली एक प्लाइट एक्वापोनिक्स फैसिलिटी डेवलप हुई है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मोहाली में, और ये इनॉग्रेट हुआ था। तो एक्वापोनिक्स क्या है, एक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें वो कंबाइन करता है फिश टैंक्स को और वो रीसर्कुलेट करता है एक्वाकल्चर को। किसके साथ, सॉयलेस प्लांट कल्चर, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक मेथड ऑफ ग्रोइंग फूड होता है वाटर में, जहाँ पे मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, जैसे सॉइल नहीं होती। तो यहाँ पे जो एक्वापोनिक्स है ये न्यूट्रिशन रिच वाटर होता है, जहाँ पे रिस्क जो फिशेस है उनको रेज करा जाता है और नेचुरल फर्टिलाइजर्स जैसे प्लांट्स या प्लांट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जहाँ हेल्प करते हैं प्योरीफाई करने के लिए वाटर को फिश के लिए। एक्वापोनिक सिस्टम 90% लेस वाटर यूज़ करता है ट्रेडिशनल फार्मिंग से, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ है एरोपोनिक्स, ये भी देख लेते हैं। इसमें कोई ग्रोइंग मीडियम नहीं होता, हैंस नो कंटेनर्स, कोई कंटेनर्स रिक्वायर्ड नहीं होते जहाँ पे ग्रो करे क्रॉप्स जो इन्वॉल्व हुए एग्रोपोनिक्स में। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेसिकली मिस्ड होते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। वर्टिकल
फार्मिंग के बारे में जान लेते हैं, वर्टिकल फार्मिंग होती क्या है। तो वर्टिकल फार्मिंग एक प्रैक्टिस है जो प्रोड्यूस करती है फूड वर्टिकुलरली, और ये लेयर्स पे होती है, वर्टिकुलरली स्टैक्ड लेयर्स पे, वर्टिकुलरली इंक्लाइंड सरफेस होती है। क्रॉप्स जो होते हैं वो इंडोर मतलब घर के अंदर ग्रो होते हैं अंडर आर्टिफिशियल लाइट या टेम्परेचर। ये सॉइल लेस मेथड होता है जहाँ पे हाइड्रोपोनिस, एक्वापोनिस और एरोपोनिस जो हमने तीनों डिस्कस कर रखा है वो इसमें होता है। एडवांटेज क्या है वर्टिकल फार्मिंग के, ये यील्ड देता है 950 टाइम्स हायर देन हायर फूड पर स्क्वायर फुट, और 95% लेस वाटर यूज़ होता है। सेकेंड है क्रॉप्स जो हैं वो सब्जेक्ट नहीं रहते किसी सीजन के, तभी इसमें हाई प्रोडक्टिविटी रहती है। थर्ड है पेस्टिसाइड फ्री रहते हैं, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस होते हैं। फोर्थ है ऑफर करता है ये हैंडल फ्यूचर फूड डिमांड्स, तो ये इसका बेनिफिट है। अब चैलेंजेस क्या है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ही हाई रहती है अगर इस्टेब्लिश कर रहे हो वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम। सेकेंड है डिफ़िकल्ट है, कॉस्टली है पॉलिनेशन। थर्ड है लेबर कॉस्ट जो ज़्यादा होती है। फोर्थ है टेक्नोलॉजी पर बहुत डिपेंडेंट है, तो पावर अगर कट हो जाए या कुछ हो जाए तो इम्पैक्ट कर सकती है इसको। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 4.7 की सस्टेनेबल हैबिटेट, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगेन बात करता है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0। तो CSCAF एक फर्स्ट ऑफ द काइंड असेसमेंट है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2019 में लॉन्च हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है उनने ये निकाला था। तो ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटी आप देख सकते हो असेसमेंट फ्रेमवर्क जो 2.0 है या 0 जो है, इसका 6 पैरा मतलब यहाँ पे 5 पैरामीटर्स है, एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, अर्बन प्लानिंग, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। फ्रेमवर्क की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ये रोड मैप प्रोवाइड करता है इंडियन सिटीज़ को ताकि वो कॉम्बैट करें क्लाइमेट चेंज को, वाइल जो प्लान करें अपने एक्शन विद इन सिटी जिसमें इन्वेस्टमेंट आओ। उसका ये मैसेज है कि हम इनकलकेट कर रहे हैं क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट। फ्रेमवर्क जो है उसमें 28 इंडिकेटर्स है जिसमें 5 कैटेगरीज जो हमने अभी बात करी है उसी पे डिवाइडेड है। क्लाइमेट चेंज फॉर सिटीज अंडर किसके अंडर आता है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो सपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, और जो इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी CSCAF की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्टर वाइज वेटेज क्या है, तो 5 सेक्टर में डिवाइडेड है। 25% और 25% जो है 50% अगर वो लगा लो तो अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर, बायोडायवर्सिटी, सेकेंड है आपका एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग, उसके बाद आपका 20% मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी है, फिर 15% वेस्ट मैनेजमेंट है और 15% वाटर मैनेजमेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंपैरिजन हुई है 1.0 से वर्सेस 2.0 से, तो ये दिखाता है इम्प्रूव इंडिकेटर्स जो फीडबैक आती है सिटीज से या थीमेटिक एक्सपर्ट से, सिंप्लीफाइड हो गया ईज अंडरस्टैंडिंग का। सेकेंड है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। थर्ड है अलाइनमेंट विद स्वच्छ सर्वेक्षण और ईज ऑफ लिविंग। फोर्थ है स्टैंडर्ड एविडेंट टैंपलेट्स और डेटा इनपुट टैंपलेट्स जो सपोर्ट करते हैं डेटा कलेक्शन को। लास्ट है सेंट्रलाइजेशन पोर्टल फॉर डेटा एंट्री विद डैशबोर्ड टू व्यू रियल टाइम अपडेट्स। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट इंडिया ने इनॉग्रेट करा है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2020। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या है, एक बिल्डिंग है जो डिज़ाइन करती है, कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे, रिड्यूस करती है, एलिमिनेट करती है नेगेटिव इम्पैक्ट्स को और क्रिएट करती है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे और नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है हमारा। ठीक है, कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो ग्रीन बिल्डिंग पे आते हैं। पहला है एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी, सेकंड है रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, थर्ड है पोल्यूशन और वेस्ट रिडक्शन मैनेजमेंट होता है यहाँ पे और मेजर्स लिए जाते हैं ताकि वो रीयूज़ और रिसाइकिल जैसी चीज़ें करें। फोर्थ है मटेरियल जो है नॉन टॉक्सिक होते हैं और सस्टेनेबल होते हैं। लास्ट है कंसिडरेशन होती है इन्वायरमेंट की, डिज़ाइन की, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन होता है यहाँ पे,
करंटली इंडिया ने 7.61 बिलियन स्क्वायर फीट का है ग्रीन बिल्डिंग फुटप्रिंट, जिसमें 5 कंट्रीज आती हैं वर्ल्ड में। इसके अलावा कुछ स्टेप्स जो लिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाते हैं इसमें ग्रीन बिल्डिंग प्रमोशन इन इंडिया। पहला है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये लॉन्च हुआ था 2007 में BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस्टेब्लिश करें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पे हो। रिवाइज होता है 2017 में और प्रिस्क्राइब करता है एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो नए कमर्शियल बिल्डिंग्स के होते हैं और कंस्ट्रक्ट होते हैं अक्रॉस इंडिया। लास्ट है अडॉप्शन यहाँ पे ECBC का हो 2017 में, जो न्यू कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है थ्रू आउट द कंट्री, और ये एस्टिमेट है कि अचीव करे 50% रिडक्शन एनर्जी यूज बाय 2030। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इको निवास समिति 2018 की, ये एक एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे है होता है, और ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है प्रीलिम्स के लिए। रेटिंग फॉर ग्रीन बिल्डिंग बी ने डेवलप करा है एक स्टार रेटिंग प्रोग्राम जो कमर्शियल बिल्डिंग के लिए है, वो रेट करती है बिल्डिंग का 5 स्टार स्केल जो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस पे बेस होती है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूसेज। अदर रेटिंग जो होती है ऑपरेट होती है फॉर रेटिंग ग्रीन बिल्डिंग इंडिया, यहाँ पे पहला है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट जो कि जॉइंटली डेवलप हुआ है तेरी के साथ द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। इवेल्युएट करती है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस जो होलिस्टिकली बिल्ड होता है, देयर बाय ये प्रोवाइड करता है एक डेफिनेटिव स्टैंडर्ड जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है ग्रीन बिल्डिंग। लीडरशिप क्या है इसमें, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन सिस्टम है जो नए आपके लिए ग्रीन बिल्डिंग पे होता है। ग्रीन बिल्डिंग डेवलप होती है US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है ये पार्ट है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये फॉर्म हुआ था 2001 में, ऑफर करता है सर्विसेज जैसे डेवलपिंग यहाँ पे होती है न्यू ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशन होती है सर्विसेज का और ग्रीन बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, ठीक है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। लास्ट जो दो पार्ट है इसके बाद ये वीडियो एंड हो रही है वो है अदर इनिशिएटिव जो रिलेटेड है सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए। पहला है स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज, ये एक इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटीज मिशन का, जो इनका एम ये है कि इंस्पायर करें सिटीज़ को ताकि वो एक फ्रेंडली एंड वाइब्रेंट स्ट्रीट्स लाएं जिसमें क्विक इनोवेटिव लो कॉस्ट मेजर्स हो। सेकेंड है चैलेंजेस जो रिक्वायर्ड है हर सिटी का कि वो टेस्ट करे एटलीस्ट 1 फ्लैगशिप वॉकिंग प्रोजेक्ट और इन्हांस करे लाइवलीहुड नेबरहुड में। स्ट्रीट जिसमें हाई फुट फॉल होता है वो कंसिडर किया जाता है पोटेंशियल लोकेशन फॉर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। फिट इंडिया मिशन जो है इंडिया प्रोग्राम जो इंस्टीट्यूट का है वो ट्रांसपोर्ट करता है डेवलपमेंट। पॉलिसी जो पार्टनर होती है SCM और ये सपोर्ट करता है इस चैलेंज को। नेक्स्ट जो है लास्ट जो उसका पार्ट है वो है G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 4 सिटीज इंदौर बेंगलुरु हैदराबाद फरीदाबाद लिस्ट हुई है 36 सिटीज़ में अक्रॉस 22 कंट्रीज जो कि पायनर करता है नया रोड मैप स्मार्ट सिटीज़ के लिए जो कि पार्ट है G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस। अब क्या होता है ये इस्टेब्लिश हुआ था 2019 में, मतलब 2 साल पहले हुआ था इस्टेब्लिश, और इसकी जो पॉलिसी का नॉर्म है कि वो हेल्प करता है बेस्ट प्रैक्टिस मिटिगेट करता है पोटेंशियल रिस्क, फॉस्टर करता है ग्रेटर ओपननेस और पब्लिक ट्रस्ट, और लास्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन जो सर्व करता है सेक्रेटरीट फॉर अलायंस। इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म हो जाती है, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए बाय।